अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। अल्लाह का करम है और आप लोगों की दुआ, मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। मैं जुलेखा अरफात, सुलेखा किचन से। अच्छा, आज मैं क्या बना रही हूँ? आज मैं बना रही हूँ चिकन तंदूरी फ्रैंकी, चिकन तंदूरी मसाला फ्रैंकी। बहुत ही मजेदार बनती है, बहुत ही टेस्टी है, जरूर बनाइएगा। अच्छा चलिए शुरू करते हैं टाइम वेस्ट किए बिना। आज तो चलिए बनाते हैं आज की रेसिपी, ऑर्डिनरी इंग्रेडिएंट से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिश आज की। चलिए, ये आधा किलो चिकन बोनलेस थाई पोर्शन है, मैंने बड़े पीस रखे हैं, आप चाहे तो छोटे कर सकते हैं। धोई हुई है, नितारी हुई चिकन है, पैन ड्राई कर लीजिए। एक बड़े से बाउल में डालकर इसमें डाल दीजिए एक छोटा चाय का चम्मच नमक, दो टेबलस्पून कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर, कम या ज्यादा अपने स्वाद अनुसार कर लीजिए, दो टेबलस्पून धनिया पाउडर, 6 टेबलस्पून गाढ़ी दही, फूड कलर, वैसे मैं तंदूरी फूड कलर डाल रही हूँ, ऑप्शनल है, आपने नहीं डालना तो कोई बात नहीं, 2 छोटे चाय के चम्मच जीरा पाउडर, 1 छोटे चाय का चम्मच चाट मसाला, 1 छोटे चाय का चम्मच कसूरी मेथी को इस तरीके से क्रश करके डाल दीजिए, 1 छोटे चाय का चम्मच गरम मसाला पाउडर, 2 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, 2 टेबलस्पून मस्टर्ड ऑयल यानी कि सरसों का तेल डालकर बहुत अच्छे से सारी चीज़ों को मिक्स कर आप चाहें तो 1-2 घंटा रख सकते हैं, ढककर फ्रिज में रखिएगा। मैं इसे तकरीबन कल पकाऊंगी तो 1 दिन के लिए मैं इसे फ्रिज में रख देती हूँ मैरिनेट करने के लिए। तो चलिए हम आटा गूंद लेते हैं। एक बड़े से बर्तन के अंदर 2 कप मैदे का आटा डालिए, आप चाहें तो गेहूं का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, नमक डाल दीजिए स्वाद अनुसार, 4-5 टेबलस्पून असली घी या फिर तेल डाल सकते हैं, मैं असली घी डाल रही हूँ, अच्छा सॉफ्टनेस आती है ये डालने से। और सबसे पहले तो मिक्स कर लीजिए, जब मिक्स हो जाए तो थोड़ा थोड़ा पानी डालकर अच्छा सॉफ्ट आटा लगा लीजिए। नहीं, नॉर्मल टेम्परेचर है, कोई गुनगुना पानी नहीं, बट आप चाहें तो हल्का सा गुनगुना पानी कर सकते हैं। चलिए, ये आटा मैंने गून लिया है अच्छे से, बहुत ही अच्छे से गुना है, थोड़ा सा इसको ऊपर से है ना आप तेल लगा लीजिए और इसे कवर करके किचन टॉवल से इसे ढक कर तकरीबन 20-25 मिनट के लिए साइड पर रख दीजिए। चलिए, 1 दिन मैरिनेशन को हो गया है, आप देख सकते हैं। एक कढ़ाई या फ्राई पैन के अंदर थोड़ा सा तेल डालिए, वैसे तेल उसमें भी है, चिकन मैरिनेशन में भी डाला था, थोड़ा सा मक्खन डाल दीजिए, चूल्हा फास्ट आंच पर चालू कर दीजिए और ये चिकन के पीसेस मसाले के साथ सारे डाल दीजिए और इसे तकरीबन ना मीडियम आँच पर 3-4 मिनट तक पकने दीजिए। जब 3-4 मिनट हो जाती है तो इसे पलट दीजिए और पलट कर भी 3-4 मिनट पकने दीजिए। हल्का सा मुझे मक्खन कम लग रहा है तो मैं डाल रही हूँ, आप ये टोटली स्किप भी कर सकते हैं। अच्छा, दोनों ओर पलट कर हमने 3-3, 4-4 मिनट पका लिया, अब इसे स्लो आंच करके ढक कर तकरीबन 5-6 मिनट पकने दीजिए। अब 5-6 मिनट हो जाती है, खोल कर चेक कर लीजिए, फिर से पलट लीजिए और इसे धीमी आंच पर ढक कर फिर से तकरीबन पीछे की साइड भी 5-6 मिनट पकने दीजिए, या तब तक पकाएं जब तक दोनों ओर से चिकन पक नहीं जाती तब तक। चलिए, तकरीबन 10-12 मिनट हो चुकी है, टोटल चिकन बहुत अच्छे से पक चुकी है, तो चूल्हा मैं मीडियम कर देती हूँ, ये जो बचा हुआ पानी है ना इसे थोड़ा सा मैं ड्राई कर लेती हूँ। अच्छा, यहाँ आप 2 तरीके हैं, सबसे पहले तो तरीका ये है, अच्छा ये देख लीजिए चिकन बराबर से हो चुकी है। पहला तरीका ये है कि आप पूरी तरीके से मीडियम आँच करके ये जो चिकन है उसे ड्राई आउट कर लीजिए, दोनों ओर उलट पलट करते हुए और दोनों ओर से डार्क स्पॉट्स आने लगे तो चूल्हा बंद कर दीजिए और चिकन को निकाल लीजिए। अच्छा, और दूसरा वे ये है कि मैं ज़्यादा नहीं सुखा रही हूँ, थोड़ा ही सुखा रही हूँ, ये देखिए हल्की लगी लगी मसाला है इसके ऊपर लगा हुआ, तो मैं ये चिकन के पीसेस सारे निकाल लेती हूँ और ये जो मेरी कढ़ाई के अंदर मसाला है ना उसे भी मैं प्याले में निकाल कर साइड पर रख देती हूँ, क्योंकि ग्रेवी बनाएंगे उसमें ये वाला मसाला मैं यूटिलाइज करूँगी, ठीक है ना। चलिए, 20 मिनट हो गया है आटे को साइड पर रखे हुए, मैं इसके पेड़े बना लेती हूँ, मैं आट बना रही हूँ, आप चाहें तो कम भी बनाएं, पराठे टाइप भी बना सकते हैं या फिर पतली रोटियां भी बना सकते हैं। एक पेड़ा लीजिए, थोड़ा सा सूखा आटा लगा के इसे बहुत अच्छे से बेल लीजिए, मीडियम साइज की रोटी बेलनी है और मीडियम थिकनेस है, बहुत मैं पतली भी नहीं कर रही हूँ और बहुत मोटी भी नहीं कर रही हूँ। साइड पर आप तवे को है ना गर्म पे रख दीजिए, हल्का गर्म हो जाता है तो मीडियम आँच कर दीजिए, स्लो से मीडियम आँच के दरमियान रखिएगा। अब ये जो रोटी है हमने बेली ये डाल दीजिए तवे के ऊपर और इसे कुछ सेकेंड्स के लिए पकने दीजिए, जब कुछ सेकेंड्स 8-10 सेकेंड हो जाते हैं तो पलट दीजिए और 8-10 सेकेंड पीछे का साइड भी पका लीजिए। हमें तब तक पकाना है ना, इसका हमारा मकसद ये है कि कच्ची पक्की करनी है, बस ज़्यादा स्पॉट्स जो आते हैं वैसे नहीं आने चाहिए, ये व्हाइट स्पॉट्स आ रहे हैं बस वहाँ तक ही हमें पकाना है। इसी तरीके से सारी बेल लीजिए और कच्ची पक्की ये जो रोटियों को बनाकर साइड पर रख दीजिए। तो चलिए, ये मैंने सारी 8 रोटियाँ बना ली, आप देख सकते हैं कच्ची पक्की टाइप्स हैं, किसी में भी डार्क स्पॉट्स नहीं है, व्हाइट लग रही हैं आपको, तो चलिए इसे मैं साइड पर रख देती हूँ और अब मसाला बना लेते हैं। सेम वही कढ़ाई या फ्राई पैन लीजिए,
तेल डाल दीजिए, चूल्हा फास्ट आंच पर चालू कर दीजिए और दो मीडियम साइज की प्याज को पीस लीजिए और वो डाल दीजिए इसमें और इसे फास्ट आंच पर फ्राई करें 2 से 3 मिनट तक। तब तक है ना ये कलर भी चेंज हो जाएगा इस प्याज का। अच्छा, जब कलर चेंज हो जाता है तो यहाँ पर 2 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दीजिए और उसे भी फास्ट आंच पर फ्राई करें। तब तक फ्राई करें जब तक कच्चेपन की खुशबू ना चली जाए अदरक लहसुन के पेस्ट की, तब तक के लिए। अच्छा, यहाँ पर मैं थोड़ा सा मीडियम आंच कर देती हूँ और जब कच्चेपन की खुशबू चली जाए तो यहाँ टमाटर डाल दीजिए 2 पीसे हुए, इसे भी मीडियम आंच पर फ्राई करें। अच्छा, अब यहाँ मैं क्या कर रही हूँ, मसाले भी इसी समय डाल देती हूँ। तो चूल्हा मैं स्लो करके नमक डाल देती हूँ स्वाद अनुसार, 1/2 छोटे चाय का चम्मच हल्दी पाउडर, 2 छोटे चाय के चम्मच धनिया पाउडर, 2 छोटे चाय के चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर भी डाल रही हूँ। अच्छा, मिर्च है ना, आप अपने स्वाद अनुसार डालें, मेरी ज़्यादा स्पाइसी वाली नहीं है। 1 छोटे चाय का चम्मच गरम मसाला पाउडर भी डाल दें और 1/2 छोटे चाय का चम्मच जीरा पाउडर डाल दीजिए। सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से मिक्स कर लीजिए, चूल्हा मीडियम आंच कर दीजिए और ये जो मैंने 1/4 कप पानी है ना, जो मसाला जिसमें मैंने मैरिनेट करने रखा था चिकन को, उसमें मैंने डाल दिया है और उसमें अब चलाकर इसमें डाल दीजिए हमारे मसाले में। और ये जो मसाला जो चिकन का बचा हुआ है मैंने जो ये पतीली में से निकाला था वो भी डाल देती हूँ। दोनों चीज़ों को मिक्स करके मीडियम आंच पर इसे 1-2 मिनट के लिए भून लीजिए। 1-2 मिनट हो जाती है तो इसे ढक कर धीमी आंच पर तकरीबन 1 से 2 मिनट पकने दीजिए। तब तक पकाएं जब तक इसका तेल नहीं छूट जाता, तब तक। चलिए, 2-3 मिनट हो चुकी है, मसाला भुना गया, टमाटर भी भुना गया, तो यहाँ पर मैं 2 टेबल स्पून काजू का पेस्ट डाल रही हूँ। कुछ नहीं, 12-15 काजू को थोड़ा सा दूध डाल के मैंने मिक्सर जार में पीस लिया था। चलिए, अब ये जो मिक्सर जार है ना, उसके अंदर मैं 1/2 कप पानी भी डालकर साइड पर रख रही हूँ इसमें डालने के लिए। इसे एक बार तो चला लीजिए और ये जो पानी मिक्सर जार के अंदर मैंने अभी कहा है वो भी डाल देती हूँ मैं इसमें। चूल्हा मीडियम आंच कर दीजिए और इसमें एक उबाल आ जाने दीजिए, हमें ग्रेवी भी तो थोड़ी चाहिएगी ना, थिक ग्रेवी। तो जब एक उबाल आ जाते तो स्लो आंच करके इसे ढक कर स्लो आंच पर इसे पकने दीजिए 2-4 मिनट में, तो ये अच्छा तेल छोड़ने लगेगा। अच्छा, अब अगर आपने चिकन को कढ़ाई या जो पतीली के अंदर ही इटसेल्फ आपने दोनों ओर से डार्क स्पॉट्स ले आ गए हैं तो ये स्टेप करने की जरूरत नहीं है, मैंने वो किया नहीं है। तो यहाँ पर मैं ग्रिलिंग प्लेट रख रही हूँ और चूल्हा फास्ट आंच पर चालू करके ये जो चिकन के पीसेस लगाकर इन्हें उलट पलट करते हुए दोनों ओर से डार्क स्पॉट्स आ जाएंगे तो इन्हें निकाल कर साइड पर रख रही हूँ और इसी तरीके से बैचेस में सारों को मैं ग्रिल कर लेती हूँ। तो ये देखिए कितनी बढ़िया सी लग रही है, एज इट इज आप खा भी सकते हैं, मजेदार सी लग रही है। लेकिन मैं इसके इस तरीके से लंबे लंबे पीसेस कर रही हूँ जैसे बाहर किया जाता है, तो वो थोड़ा सा एकदम ऐसा लगेगा कि आपने बाहर या रेस्टोरेंट या कहीं बाहर की चिकन तंदूरी फ्रैंकी खा रहे हो। लेकिन अगर आपने पतले पतले लंबे लंबे स्ट्रिप्स किए तो ये स्टेप आप स्किप कर सकते हैं। चलिए, यहाँ साइड बाय साइड हमारी ये जो ग्रेवी है ये भी बहुत अच्छे से भुना गई है, तेल जो भी डाला हुआ था वो ऊपर आ चुका है। मैं ज़्यादा स्पाइस नहीं डाली हूँ, आप चाहें तो बारीक कटी हुई हरी मिर्ची डाल सकते हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा फूड कलर तंदूरी डालकर इसे मिक्स कर लेती हूँ। अच्छा, अब ये जो साइड पर हमने जो चिकन काट के रखी ये सारी डाल दीजिए, अगर आपके पीसेस हो तो वो भी डाल दीजिए। और ये जो जिस प्लेट में मैंने रखा था उसका भी सारा मसाला डाल दूँ, कुछ चीज़ वेस्ट क्यों हो ना, सारे मसाले जो भी प्लेट में रखे हैं वो भी सारे डाल दीजिए। चूल्हा स्लो पर ही है, बहुत अच्छे से मिक्स कर लीजिए और स्लो आंच करा हुआ ही है, ढक कर इसे 2 से 3 मिनट तक पकने दीजिए, क्योंकि हमने चिकन अभी डाला है, चिकन में मसाला लगेगा, मसाले में चिकन का एक फ्लेवर आएगा। तो चलिए 2-3 मिनट इसे पकने रख देते हैं ढक कर। चलिए, 2-3 मिनट हो चुकी है, चूल्हा बंद कर देती हूँ। साइड पर मैंने कोयला जलाने रख दिया था, स्टील की बाटी रख दीजिए, कोयला रख दीजिए स्टील की बाटी के ऊपर और थोड़ा सा तेल घी या मक्खन डालकर क्विकली इसे ढक कर इमीडिएटली बंद करके रख दीजिए 5 से 7 मिनट तक। ऐसे ही रहने दीजिए कुछ वजन रखकर, 5-7 मिनट हो जाती है तो कोयला फेंक दीजिए, स्टील की बाटी हटा दीजिए और थोड़ी सी खूब सारी बारीक कटी हुई कोथमीर डाल दीजिए, आप चाहे तो हरी मिर्ची भी डाल सकते हैं और इसे एक बार मिक्स कर लीजिए। बढ़िया सा बन गया हमारा मसाला, तंदूरी चिकन मसाला। तो चलिए, ये जो कच्ची पक्की रोटी अब हमने बनाकर रखी है, तवा अच्छा गर्म कर लीजिए मीडियम आंच पर और जब गर्म हो जाए तो ये जो रोटी है कच्ची पकी ये डाल दीजिए, मक्खन दोनों ओर लगाएं बढ़िया सा और उलट पलट करते हुए अच्छा सा पूरी तरीके से सेक लें। तब तक पकाएं जब तक ये रोटी जो है पक नहीं जाती और स्पॉट्स आने शुरू नहीं हो जाते। तब तक जब अच्छे से पक जाए ये रोटी तो इसे डायरेक्टली आप बटर पेपर के ऊपर रख दीजिए। अब इसके ऊपर गर्मा गर्म ये जो चिकन तंदूरी मसाला ग्रेवी हमने जो बनाई है वो इस तरीके से लगा दीजिए। मैंने गर्म पे रख दिया था, हाँ, 2-3 मिनट पहले।
ये देखिए ये रही मेरी कढ़ाई, मैं इसे यहाँ पर साइड पर ही रख रही हूँ तो आपको भी दिखे। चलिए अब मैं इसके ऊपर, आप चाहे तो चाट मसाला डाल सकते हैं, मैं बाद में डालूंगी, थोड़ी सी कोथमीर डाल दीजिए, हरा धनिया और थोड़ा सा कैबेज बारीक कटा हुआ डालिए और थोड़ा सा चाट मसाला ऊपर स्प्रिंकल कीजिए। अच्छे से इसे रोल टाइटली कीजिए और गर्मा गर्म इसे सर्व कीजिए। तो ये बन गई ना हमारी बढ़िया सी मजेदार सी एक चिकन तंदूरी फ्रैंकी। इसी तरीके से एक एक रोटी फ्राई करते जाएं मक्खन में और इसमें सारी ये चीजें भरते जाएं, रोल करते जाएं और सर्व करें। अच्छा, अगर आप मेरी ये रेसिपी बनाएं तो मेरे साथ कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कीजिएगा, मुझे आपके कमेंट्स पढ़ने बहुत अच्छे लगते हैं। बहुत ज्यादा अच्छी लगी आपको ये मेरी रेसिपी तो आपने पता है आपने क्या करना है, लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा मेरे ये वीडियोस के लिंक शेयर कीजिए अपने फैमिली और फ्रेंड्स में और सब्सक्राइब भी कीजिए मेरे चैनल को। फिर से हाजिर होंगी एक नई शानदार दमदार रेसिपी के साथ या फिर ब्लॉग के साथ। अंटिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज, बाय बाय। चलिए आज हम बनाते हैं एक बेहतरीन सी डिश जिसका नाम है स्मोकी मलाई चिकन रैप्स। आप चाहें तो इसे रोल्स भी कह सकते हैं, वैसे आपको तो बहुत ही पसंद आएगी, घर वालों को भी पसंद आएगी, पर बच्चों को भी बहुत पसंद आएगी क्योंकि ज्यादा स्पाइस नहीं है। आप चाहें तो बच्चों को टिफिन में भी दे सकते हैं इसे। कुछ फ्रैंकीज की रेसिपीज मैंने मेरे चैनल पर अपलोड की, आप लोगों के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है, आप वहाँ चेक कर लीजिएगा। ये है 2 प्याज छिली हुई, 4 हरी मिर्चियां हैं, 2 टेबलस्पून कोथमीर और ये है 50 ग्राम काजू। ये सारी चीज़ों को डाल दीजिए मिक्सर जार के अंदर और थोड़ा सा पानी डालकर या बिना पानी डालकर भी पीस सकते हैं आप तो पीस लीजिए। प्याज को मैं आप देख सकते हैं हल्का मोटा मोटा काट कर डाल रही हूँ और प्याज एकदम छोटी भी नहीं थी और एकदम बड़ी भी नहीं थी। ये देखिए अच्छे से एकदम पेस्ट टाइप बना लिया, इसे साइड पर रख दीजिए। ये है 1/2 किलो चिकन बोनलेस, मैंने थाई पोर्शन लिया, आप चाहें तो ब्रेस्ट पोर्शन ले सकते हैं। चर्बी निकाल ली है 2-3 पानी से धो के, इसे मैंने इस तरीके से छोटे छोटे पीस कर दिए हैं घर पर ही। आप चाहें तो बड़े भी कर सकते हैं या आप चाहें तो इससे और ज़्यादा छोटे भी कर सकते हैं। चलिए अब इसमें डाल दीजिए 4 टेबल स्पून गाढ़ी दही, 4 टेबलस्पून जितनी मलाई, फ्रेश मलाई भी डाल सकते हैं या फिर पैकेट की भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मैं यहाँ पैकेट की डाल रही हूँ। 3 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, वैसे ये घर में बना हुआ अदरक लहसुन है, इसकी रेसिपी लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है, आप वहाँ चेक कर लीजिएगा, आप चाहें तो बाजार का भी डाल सकते हैं। 1 छोटा चाय का चम्मच काली मिर्चों का पाउडर, नमक स्वाद अनुसार और ये जो पेस्ट हमने बनाकर रखा था, पीस के रखा था काजू वगैरह का, वो भी सारा डाल दीजिए। जो भी मिक्सर जार के अंदर चिटका हुआ हो वो सारा डाल दीजिएगा, कुछ भी वेस्ट मत कीजिएगा और सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से मिक्स कर थोड़ी देर के लिए मैरिनेट करने रख दीजिए। आप चाहें तो 1 घंटा भी रख सकते हैं, आप चाहें तो 3-4 घंटा भी रख सकते हैं, आप चाहें तो ओवरनाइट भी रख सकते हैं, बेस्ट है ओवरनाइट। 3-4 घंटे के लिए रख रहे हैं तो फ्रिज में रखिए और 1/2 घंटे के लिए रख रहे हैं तो बाहर रख सकते हैं। चलिए अब हम हरी मायो डिप बना लेते हैं। ये है 2 टेबलस्पून जितनी कोथमीर, हरा धनिया जिसे कहते हैं, वो 2 हरी मिर्चियां हैं और ये है मायोनीज। एक मिक्सर जार लीजिए, छोटा वाला जार लीजिएगा, उसमें धोकर कोथमीर डाल दीजिए और हरी मिर्चियां अपने स्वाद अनुसार भी डाल सकते हैं। यहाँ पर मैं डाल रही हूँ 6 टेबलस्पून जितना मायोनीज, आप ये डालकर बिना पानी डाले बहुत अच्छे से पीस लीजिए। ये देखिए मैंने पीसा है लेकिन 1 से 2 टेबलस्पून में और एक्स्ट्रा डाल रही हूँ सो दैट और अच्छा पीसा जाए। ये देखिए कितना अच्छा पीस लिया मैंने, इसे आप साइड पर रख देती हूँ। ये बन गई हमारी हरी मायो डिप। एक कढ़ाई के अंदर 2-3 टेबलस्पून जितना तेल डालिए और 1 टेबलस्पून जितना मक्खन बटर डालिए, मस्का। आप चाहें तो मस्का पूरी तरीके से डाल सकते हैं यहाँ पर और तेल को ओमिट कर सकते हैं, लेकिन मैं दोनों डाल रही हूँ। जब पिघल जाए मस्का और तेल तो यहाँ डाल दीजिए 1.5 टेबलस्पून जितना बारीक कटा हुआ लहसुन और उसे डालकर फ्राई करें तकरीबन 1 मिनट तक। जब 1 मिनट हो जाए फ्राई करके तो अब डाल दीजिए चिकन जो मैरिनेट करने रखी थी आपने फ्रिज में, वो निकाल कर इसमें डाल दीजिए बहुत अच्छे से और जो भी लगा हुआ हो बर्तन के अंदर वो सारा डाल दीजिएगा मसाला, और वो डालकर बहुत अच्छे से मिक्स कीजिए और मीडियम आंच पर इसे तकरीबन 4 से 5 मिनट तक फ्राई करें, बार बार चलाते जाएं। 1/4 कप पानी ना मैंने ये मिक्सर जार के अंदर डालकर चला लिया है, हिला लिया है। अब मैं 4-5 मिनट के बाद ना ये डाल देती हूँ पानी, बहुत अच्छे से मिक्स कर लीजिए, 1-2 उबाल आ जाने दीजिए। जब उबाल आ जाए तो स्लो कर दीजिए चूल्हे को और ढककर चिकन को पकने रहने दीजिए तकरीबन 12 से 15 मिनट या तब तक पकाएं जब तक चिकन पूरी तरीके से गल नहीं जाती।
10 मिनट के बाद यहाँ मैंने कोयला जलाने रख दिया है और अब टोटल हो चुकी है 13 से 14 मिनट। और खोल कर देख लीजिए चिकन को, चिकन गल चुकी है कि नहीं। यहाँ मेरी तो चिकन प्रॉपरली गल चुकी है, तो मैं कर देती हूँ चूल्हा बंद। यहाँ पर अब ग्रेवी के ऊपर स्टील की वाटी रख दीजिए, उसके ऊपर जो गरम करा हुआ लाल कोयला रखा है वो साइड पर वो डाल दीजिए उसके ऊपर, और जल्दी से 1 टीस्पून जितना घी, तेल या मक्खन डालकर इसे ढक कर वजन रख दीजिए इसके ऊपर, साइड पर 8-10 मिनट के लिए रहने दीजिए। चलिए अब हम रोटी प्रिपेयर कर लेते हैं। मैदे की रैप्स कहिए, रोटी कहिए, तो बड़े से बर्तन के अंदर 2 कप मैदे का आटा डालिए, नमक डाल दीजिए थोड़ा सा, और 4 से 5 टेबलस्पून मैं असली घी के डाल रही हूँ, आप चाहें तो तेल भी डाल सकते हैं। सबसे पहले ये सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लीजिए। जब अच्छा मिक्स हो जाए तो नॉर्मल टेम्परेचर के पानी से गूंद लीजिए ये आटे को। बहुत ज्यादा पानी मत डालिए, थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएं और इसे बहुत अच्छा सॉफ्ट आटा गूंद ले इस तरीके से। जब अच्छा सॉफ्ट आटा गूंद ले तो थोड़ा सा तेल का हाथ ऊपर लगाकर इसे किचन टॉवल से ढककर 15 मिनट के लिए साइड पर रख दीजिए। 14-15 मिनट के बाद इसके किचन टॉवल को हटा दीजिए और ये जो आटा है इसके पेड़े बना लीजिए। मैं तकरीबन 8 से 9 बना रही हूँ। तो सबसे पहले तवा गरम पे रख दीजिए। यहाँ पर मैंने एक पेड़ा लिया है आटे का और उसे मीडियम साइज की रोटी बनाइए, एकदम पतली भी नहीं एकदम मोटी भी नहीं। जब मीडियम साइज की बन जाए तो ये जो गरम तवे पर डाल दीजिए और कुछ सेकेंड्स के लिए सिकने दीजिए। 8-10 सेकेंड के बाद पलट डालिए। साइड बाय साइड मैं दूसरी रोटी भी बना लेती हूँ। उलट पलट करते जाइए, मीडियम आंच पर रोटी को सेकिए। यहाँ मैं कपड़े की मदद से रोटी को प्रेस करती जाती हूँ सो दैट अच्छे से सेक सके रोटी को। उलट पलट करते जाए और ऐसे लाइट गोल्डन ब्राउन स्पॉट्स आ जाए दोनों ओर से, मतलब हमारी रोटी हो चुकी है, रैप्स हो चुके हैं, तो इसे साइड पर रख दीजिए। इसी तरीके से सारे रोटी कहिए, रैप्स कहिए, बना लीजिए। तकरीबन मैं 4 बना रही हूँ और 4 बाद में बनाऊंगी, तो आप चाहें तो 8 अभी ही बना लें, या आपने अगर 10 का रोटी बनानी है, रैप बनाना है, तो आप 10 बना लें और एक साथ साइड पर रख दें। कुछ घंटे के बाद जब आप सर्व करें तो ये जो कोयला हमने चिकन की ग्रेवी में रखा था ये निकाल कर फेंक दीजिए कोयले को, और एक बार मिक्स कर लीजिए ग्रेवी को, हमारी मलाई चिकन ग्रेवी को। और आप चाहें तो इसे पराठा और रोटी के साथ भी खा सकते हैं। अच्छा, अगर ठंडी हो गई हो तो इसे थोड़ा सा गर्म कर लीजिए। चलिए अब हम रोटियां मतलब रैप्स की ओर चलते हैं। ये देखिए मैंने नैपकिन में ढक कर रखा था रोटियों को, कितनी अच्छी सॉफ्ट हैं अभी तक। अच्छा, कुछ घंटे हो चुके हैं तो अब हमें थोड़ी सी गर्म तो करनी ही पड़ेगी रोटियां। तो थोड़ा सा मक्खन लगाएं, गर्म तवे के ऊपर डालें, पीछे की साइड पे भी मक्खन लगाएं, उलट पलट करते हुए अच्छा सा सेक लें। जब अच्छी थोड़ी सी गर्म हो जाए तो निकाल कर साइड पर रख दें। इसी तरीके से मक्खन लगा लगा कर दोनों ओर उलट पलट करते हुए सेकते जाएं, क्योंकि रोटियां पकी हुई हैं, सिर्फ सेकना ही है। तो सिर्फ थोड़ा थोड़ा मक्खन लगा के अच्छे से सेक लीजिए सारी रोटियों को। तो चलिए अब हम बना लेते हैं रैप्स को। ये है गर्मा गर्म रोटियां जो भी हमने फ्राई की हैं मक्खन के अंदर। ये है मलाई चिकन थोड़ी सी ग्रेवी के साथ। वो है मैंने एक प्याज को मोटा मोटा लंबा काटा है और ये आधी शिमला मिर्च को मोटा मोटा लंबा काटा है, ये आप देख सकते हैं। और वो रहा डिप जो हमने साइड पर बनाकर रखा है, अब हम इसे असेंबल करते हैं। प्लेट में बटर पेपर रखिए, गर्मा गर्म रोटी रखिए, चिकन की ग्रेवी को इस तरीके से बीच के पूरे पोर्शन में लंबा फैला दें और उसके बराबर में ये जो हमने डिप बनाकर रखा है वो भी इसी तरीके से लंबा फैला दें। उसके ऊपर रख दीजिए मज़ेदार सी थोड़ी सी प्याज और थोड़ी सी शिमला मिर्च और इसे अच्छे से टाइटली रोल कर लें, अच्छे से रैप बना लें इसका, और गर्मा गर्म सर्व करें। तो ये बन गए हमारी बढ़िया सी मज़ेदार सी स्मोकी चिकन मलाई रैप्स। हरी मिर्चियाँ और काली मिर्चों का इस्तेमाल अपने स्वाद अनुसार कीजिए। अगर आप बच्चों को देना चाहते हैं तो वो जो हरा डिप के बजाय खूब सारा मायोनीज डाल दीजिए सादा वाला। कुछ रमज़ान की रेसिपीज़ मैंने मेरे चैनल पर अपलोड की है, आप लोगों के लिए लिंक्स डिस्क्रिप्शन के अंदर है, आप वहाँ चेक कर लीजिएगा। तो ये थी आज की रेसिपी। अगर आप मेरी ये वाली रेसिपी बनाएं तो मेरे साथ कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कीजिए, मुझे आपके कमेंट्स पढ़ने बहुत अच्छे लगते हैं। फिर से हाजिर होंगी एक नई शानदार रेसिपी के साथ। अंटिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज, बाय बाय।